हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल पंड्या स्टोर के आने वाले एपिसोड की, तो आप देख रहे हैं कि नताशा जहां एक ही छत के नीचे धवल के साथ रह रही है, तो अब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जहां पहले धवल नताशा का नाम भी अपने घर में सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि उसके अमरीश भैया की मौत नताशा की वजह से हुई है, और इसीलिए वो नवेली से भी और नताशा से भी बेइंतहा नफरत करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अब आ गया है कहानी में बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि सालों बाद नताशा की हो चुकी है मखवाना हाउस में वापसी, और नताशा का ये हाल देखकर धवल इमोशनल हो रहा है। जहां नताशा की ये हालत देखकर नताशा को प्यार करने का मन कर रहा है, उसे संभालने का मन कर रहा है, तो धवल इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है कि उसे अपनी पुरानी साथ बिताए लम्हे भी याद आ रहे हैं। और कैसे धवल नवेली के रोने पर नताशा को पुकारता था, उसे मिस करता था, लेकिन नताशा तो घर में थी ही नहीं, और इस बात का उसे बार बार अंदाज़ा होता था कि नताशा ने उसके साथ उसकी ज़िंदगी साथ ठीक नहीं किया। ये तमाम बातें सोचकर डू और डाई के सिचुएशन में फंसा हुआ है धवल, लेकिन शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि धवल एक बार फिर से यहाँ पर अपने इमोशंस के आगे पड़ चुका है कमज़ोर। जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था अमरीश मखवाना बनने की, उसकी परछाई बनने की, लेकिन वो नताशा का और अपनी बेटी का ये हाल देखकर फेल हो गया। यहाँ पर अब धवल करने वाला है फैसला, और वो जताने वाला है इच्छा अपनी ज़िंदगी में नताशा की वापसी की। जी हाँ, धवल अब नताशा को और अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है। वो चाहता है उन दोनों के साथ में वो सारे लम्हे बिताएं जो उसने अपनी बेवकूफ़ी से गवा दिए। यहाँ पर धवल चाहता है अब नताशा का ख्याल रखना और उसको अपने पास रखना। अब ऐसे में जहाँ एक तरफ तो धवल है जो कि नताशा का दावेदार है, उसका पति है, लेकिन उस पति ने इतने सालों में नताशा की ना तो कोई खोज खबर ली और ना ही उसको संभाला, ना उसका ध्यान रखा। जहाँ पर शांतनु ने ना नताशा को सिर्फ अपनी जगह दी, अपना नाम दिया, बल्कि केयर और खूबसूरत रिश्तों के साथ में उसका ख्याल भी रखा। जहाँ एक तरफ तो नताशा जो कि नवेली के चक्कर में पंड्या हाउस में रहने के लिए ज़िद कर रही है, तो दूसरी तरफ धवल है जो नताशा को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है। तो यहाँ पर जो बिट्टू को अपना मानता है शांतनु, जिसने बहुत मेहनत की है नताशा को नॉर्मल करने की, वो भी यहाँ पर नताशा को अपनी ज़िंदगी से बाहर जाने नहीं देना चाहता। वैसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या धवल की मदद करने वाला है शांतनु इन दोनों को एक करने की, या फिर नताशा को वो अपने साथ वापस ले जा कर के ही दम लेगा। नताशा किसको चूज करेगी, ये देखना होगा काफ़ी दिलचस्प। वेल, फिलहाल तो ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, बिकॉज यहाँ मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। We'll be right back.